हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक और कॉन्सेप्ट डिजिटल पेमेंट का या ई बैंकिंग सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं जिसका नाम है एनईएफटी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र तो ये होता क्या है चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अंडर दिस सिस्टम द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्राम वन अकाउंट टू अनदर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फंड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प्स बोथ द पार्टीज फ्राम इनकनवीनियंस ऑफ ड्रॉइंग चेक्स डिपॉजिट चेक डिपॉजिट चेक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में एन की फॉर्म में चले जाता है और इसमें टेंशन नहीं रहती कि मैं चेक लूँगा फिर चेक जमा कराने जाऊँगा या मुझे चेक देना पड़ेगा बड़ा स्यापा है ठीक है पुराने ज़माने में ऐसा होता था तो, तो जब से एन की फैसिलिटी शुरू हुई है इसमें एक अकाउंट से डायरेक्टली दूसरे अकाउंट में पैसा एन जिसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहते हैं उसमें चला जाता है और इनकनवीनियंस नहीं होती देर इज़ नो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ई में ऐसा कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है कि भाई इतने इतने लाख की वैल्यू होगी तभी एन यूज़ कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल विद ऑल द बैंक्स नाओ अडेज आज सारे के सारे बैंक्स तकरीबन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एन की जिसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चले जाता है और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम इतने अमाउंट को डिपॉजिट या विद्रॉ मतलब कराना ही पड़ेगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट uh, वीडियो मैं लेके आऊंगा आरटीजीएस जिसमें एक लिमिट होती है एन में तो कोई लिमिट नहीं है आर में एक लिमिट होती है क्या लिमिट होती है वो उसी वीडियो में बताऊँगा टिल देन टेक केयर हैव डे